नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है और कुल्फ़ी खाने का मन बच्चों और बड़ों का सभी का होता है, और ये बाज़ार जैसी कुल्फ़ी हम घर में कैसे बनाएं, आज मैं आपको बताऊंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं मटका कुल्फ़ी, जो बनाना बहुत ही आसान है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। और अब हम गैस को ऑन कर देंगे। गैस मैंने ऑन कर दी है, अब हम दूध को उबलने देंगे और बीच बीच में हमें दूध को चलाना है ताकि ये जले नहीं। देखिए, दूध के उबाल आ गया है। अब हम आधा गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने से दूध जो है तले पे चिपकता नहीं है और हमारी कुल्फी जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। फ्रेंड, चलाते रहना है दूध को बीच बीच में। अगर ये तले पे चिपक गई तो कुल्फी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ख़राब आएगा, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। कुल्फी के अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने 15 से 20 बादाम लिए हैं और 20 से 25 मैंने काजू लिए। इन सभी को हम पतला पतला काट लेंगे। दूध को पकते पकते 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हमें दूध को इसी तरह चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता। कुल्फी को अच्छा सा टेस्ट देने के लिए और दूध को गाढ़ा करने के लिए मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इससे हमारा दूध जो है बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर के घोल के लिए मैंने आधी कटोरी दूध लिया है, ठंडा दूध, और 1 चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे, कॉर्नफ्लोर के घोल के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब ये हम दूध के अंदर डालेंगे। दूध को हम चलाते जाएंगे, देखिए, और थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर का घोल जो है दूध के अंदर डालते जाएंगे। इससे दूध जो है बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है और कुल्फ़ी के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हम चलाते रहेंगे और दूध को हम इसी तरह पकाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। देखिए, दूध को पकते पकते 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे। मैंने 1 कटोरी शुगर ली है। कुल्फी के अंदर मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। शुगर को अच्छे से मिक्स कर देंगे दूध के अंदर। और इसी तरह चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। ड्राई फ्रूट को मैंने काट लिया है, अब हम ये कटे हुए ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। और ड्राई फ्रूट आप कम भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट से कुल्फी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 चम्मच के करीब हम इलायची पाउडर डाल देंगे, या फिर आप 3 से 4 इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी को। बिना ड्राई फ्रूट के भी ये कुल्फी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी तरह चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, पर हमें थोड़ा दूध और गाढ़ा करना है। देखिए फ्रेंड, दूध अब हमारा आधा रह गया है। हमारी रबड़ी जो है वो तैयार हो गई है। कुल्फी बनाने के लिए हमें रबड़ी ही चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। हमें एकदम ठंडा कर लेना है इसे। देखिए, रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है ठंडी होने के बाद। अब हमें इस तरह के कुल्फी मोल्ड चाहिए, या आप कोई कांच के गिलास में या कॉफ़ी कप में, कागज़ के कॉफ़ी कप आते हैं उनमें भी आप जमा सकते हैं, और ये कांच के गिलास में भी आप इसे जमा सकते हैं। अब हम ये रबड़ी जो है कुल्फी मोल्ड के अंदर भर लेंगे। बहुत ही टेस्टी कुल्फी बनती है फ्रेंड्स, आप एक बार बनाएंगे तो बाजार की कुल्फी जो है एकदम भूल जाएंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपकी फैमिली को काफ़ी पसंद आएगी। बाजार जैसी कुल्फी फ्रेंड्स हम घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। सभी मोल्ड को हम इसी तरह भर कर तैयार कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड, मैंने सभी मोल्ड को भर लिए हैं, दो कुल्लड़ भी मैंने भरे हैं। अब हमें इस तरह का फॉल पेपर चाहिए, तभी हमारी कुल्फी जो है एकदम बाजार जैसी बनेगी। फॉल पेपर से हम इसको ढक देंगे अच्छे से। आप कोई पॉलोथीन भी ले सकते हैं, बस हमारी कुल्फी के अंदर फ्रिज की ठंडी हवा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर बर्फ़ जम जाएगी, फिर ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह की पॉलोथीन भी ले सकते हैं, या हम सब्जी लेके आते हैं वो पॉलोथीन भी आप इसके ऊपर इस तरह से कवर कर कर और रबड़ बैंड से इस तरह से लगा दीजिए, ताकि फ्रिज की ठंडी हवा इसके अंदर ना जाए और इसके ऊपर बर्फ़ ना जमे। अगर बर्फ़ जमेगी तो कुल्फ़ी खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी और ये बिल्कुल भी बाजार जैसी नहीं बनेगी। सभी को हम इसी तरह कवर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने सभी को कवर कर लिया है। अब हमें इनको 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है, फिर इस तरह की स्टिक आप कुल्फ़ी के अंदर लगा सकते हैं। 2 घंटे बाद चक्कू से थोड़ा सा कट करके ये कुल्फ़ी स्टिक जो है आप इसके अंदर लगा दीजिए और फिर ये हमारी कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी और निकालने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। कोई भी स्टिक आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बस हल्का सा कट लगाना है। फ्रेंड्स, अब हम सारी कुल्फियों को 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे जमने के लिए। 8-9 घंटे हो चुके हैं, हमारी कुल्फी जो है जमकर तैयार है। इसका कवर हटा देंगे। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी क्रीमी, बहुत ही टेस्टी हमारी कुल्फी जमकर तैयार हुई है। बहुत ही आसान है इसे घर में बनाना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हमें एक पानी का गिलास चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसे निकालना भी। बस 20-25 सेकंड आप इसको इस तरह से पानी के अंदर हल्का हल्का घुमाएं। और हाथों की गर्माहट से इसे इस तरह से चला लें। हथेलियों के बीच में रख के चलाना है फ्रेंड। हथेलियों की गर्माहट से ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाएगी। देखिए ये निकल आई है। बहुत ही अच्छी हमारी कुल्फ़ी जमकर तैयार हुई है, एकदम बाजार जैसी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। आप बनाएंगे तो आपको खुद को विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि ये कुल्फ़ी आपने घर में बनाई है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप देख सकते हैं इसे निकालना भी बहुत आसान है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए ये कुल्फी निकलकर बिल्कुल तैयार है हमारी। सभी कुल्फी हम इसी तरह निकालकर तैयार कर लेंगे। देखिए अब हम एक कुल्फ़ी को पिस्ते से गार्निश कर देंगे, जिससे ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद आए, कोई गेस्ट आए, तब आप इस तरह से कुल्फ़ी को डेकोरेट करके देंगे तो उनको यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये कुल्फ़ी घर में बनाई है। फ्रेंड्स, ये कुल्फ़ी बनाएं, अपने मेहमानों से और फैमिली से तारीफ पाएँ। ये बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप एक बार बनाएंगे तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये कुल्फ़ी आपने घर में बनाई है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएँ हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।